नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देशभर में लोकसभा चुनाव खत्म हुए 2 हफ्तों का वक्त बीत चुका है और 10 दिनों से ऊपर परिणाम आए हुए भी हो चुके हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा की बात की जाए तो वहां अभी भी सियासी हंगामा मचा हुआ है। जिस तरीके से साल के मार्च महीने में जहां पर जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विधानसभा में वापस ले लिया था, वो भी 2 लोकसभा सीटों को लेकर आपसी सामंजस्य न बैठने पर, उसके बाद से बीजेपी की जो यहाँ सरकार हरियाणा में है वो मुसीबत में नजर आ रही है। 10 विधायकों वाली जेजेपी ने समर्थन वापस लिया तो बीजेपी गठबंधन की सरकार अल्पमत में जाती नजर आई। लेकिन यहां पर बीजेपी ने उस वक्त बड़ा अहम फैसला लेते हुए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नैब सिंह सैनी को पद यहां सौंप दिया था। लेकिन खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे, अनिल विज की नाराजगी उस दौरान जग जाहिर हुई। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो करनाल विधानसभा सीट से विधायक थे, उन्हें पार्टी ने वहां से इस्तीफा दिलवाया और करनाल की लोकसभा सीट से नामांकन भरवा दिया, जिसके बाद लोकसभा चुनावों में उन्होंने भी दर्ज की। हालांकि हरियाणा की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ और प्रदेश की 10 में से 5 सीटें वो बुरी तरीके से हार गए। लेकिन जो 5 सीटें बीजेपी ने जीती उसमें करनाल सीट भी शामिल थी और मनोहर लाल खट्टर जैसे ही वहां से जीतकर सांसद बने, 9 जून को उन्हें केंद्र की कैबिनेट में भी जगह दे दी गई है। अब इस पर सवाल उठता है कि अनिल विज का क्या होगा। अनिल विज को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की कुर्सी न मिलने के बाद से लगातार ही दरकिनार कहीं ना कहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान में अनिल विज ना ही राज्य सरकार में कोई भूमिका निभा रहे हैं और ना ही यहां पर केंद्र सरकार में। अब इसको लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का मन बना रहे हैं। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनावों में पहली बार पूर्ण बहुमत हरियाणा में पाने वाली बीजेपी ने अनिल विज को उस वक्त मुख्यमंत्री न बनाकर मनोहर लाल खट्टर को सीएम कुर्सी सौंप दी थी और उस वक्त अनिल विज की नाराजगी सामने आई थी। लेकिन इस बार अनिल विज की नाराजगी का आलम यह था कि जिस बीजेपी की बैठक में नैब सिंह सैनी के रूप में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, अनिल विज उस बैठक को बीच में छोड़कर ही अपने घर लौट आए थे।